जनपद ललितपुर के तहसील मडावरा से 25 किलोमीटर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा के नजदीक जंगलों के बीच स्थित पांडव तपोभूमि पूर्व काल से अपनी पवित्रता के लिए बुंदेलखंड में विख्यात है, जहां द्वापर युग में पांडवों ने अपनी माता कुंती और पांचाली द्रौपदी के साथ अज्ञात वास्तुशम तपस्या कर व्यतीत किया, जिसके प्रमाण महाबली सात कुंडिया है जो कि पांच पांडवों और माता कुंती और पांचाली द्रौपदी की बताई जाती है। मान्यता है कि यहाँ जो श्रद्धालु पांडव तपोभूमि और पाताल लोग हनुमान जी मंदिर के दर्शन कर जो मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। साथ ही ये कृषक क्षेत्र होने से यहाँ किसानों का तांता लगा रहा, बारिश न होने से फसल सूखने की चिंता के साथ किसान पांडवन ट्रैक्टरों से काफी तादाद में आते रहते हैं। साथ ही बुंदेलखंड में हर मौसम अलग अलग होते हैं। ऐसे ही सावन माह का बुंदेलखंड का प्रसिद्ध सेरा नृत्य गायन कर रहे पास के गलोरा जान के लोगों से भी मुलाकात, वहां पर परिवार के साथ प्रार्थना कर बांसियां बनाते खाते और जल्द बारिश होने की प्रार्थना कर रहे। वहाँ पहाड़ों के बीच बने जलाशयों का जल हजारों वर्षों से कभी नहीं दिखा है। साथ ही यहाँ का ऐसी मान्यता है बुंदेलखंड की उपवित्र पांडव भूमि न तो कभी सूखा पड़ता है और न ही भूख मर जाती है। मध्य प्रदेश के किसान यहाँ के जल करके ले जाते हैं और अपने खेतों में डालते हैं, इससे उनका मानना है कि कोई रोग दोग नहीं लगता। पांडवन धाम के पुजारी विशेष शास्त्री जी ने बताया कि हम हमारे साथी श्रद्धालु काफी समय से प्रयास कर रहे हैं कि पांडव धाम पर आने जाने के रास्ते बनवाएं और लाइट और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए छोटे विधायक क्योंकि श्रम योजना मंत्री और जिलाधिकारी ललितपुर से लेकर लखनऊ तक शासन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जबकि वर्तमान जिलाधिकारी अपनी पत्नी समेत सभी के घर पर आ चुके हैं और उनको यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए कहा, लेकिन आश्वासन के सिवाय और कोई काम नहीं कराया गया। वर्तमान योगी सरकार जहाँ धर्म को बढ़ावा देने की बात कर रही है, तो इतनी पवित्र धर्म स्थली पर श्रद्धालुओं को हो रही असुविधाओं को देखकर सरकार के वादे पीछे पड़ते हैं। खड़े हैं इसको पांडवन वन के नाम से जाना जाता है। अच्छा अच्छा जी, यहाँ पे पांडवों ने अज्ञात वर्ष के समय पे अपना जो उनका अज्ञात वास था उसको पूर्ण किया हुआ है और यहाँ पे जो ये पवित्र मंदिर है ये बजरंगबली का मंदिर है और पीछे जो आप लोग कार्यक्रम देख रहे हैं एक बुंदेलखंड का प्रसिद्ध कार्यक्रम है, इसे शेरे के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ के बहुत दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं और यहाँ रावण के महीने में जो है होता है और यहाँ से जो है नदी निकली हुई है बहुत ही सुंदर नदी है और यहाँ पे बहुत मनोरम दृश्य है इसका और यहाँ पे चारों तरफ जंगल है जिसे हम विंध्याचल पर्वत के नाम से जानते हैं और यहाँ पे बहुत सी ऐसी दुर्लभ वस्तुएं हैं जिन्हें देखा नहीं जा गया है कभी भी प्रकृति में, उन्हें यहाँ देखा जा सकता है, बहुत ही बढ़िया दृश्य होता है यहाँ पे समय में। अच्छा, तो ये बुंदेलखंड में है जो तो है? बिल्कुल बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, ललितपुर जिला में आता है, ये नारायण क्षेत्र में आता है। अच्छा, ये ललितपुर जो अपना जिला है जी जी, उस जिला से कितने किलोमीटर दूर पड़ा था? ये ललितपुर से लगभग अपना 60 किलोमीटर के लगभग पड़ता होगा। अच्छा अच्छा, नारायण के आगे पड़ता है। इतने जो दर्शक वगैरह श्रद्धालु आते कितने कितने से कितने दूर तक के आते हैं यहाँ से? बुंदेलखंड के लगभग आते हैं सभी, बुंदेलखंड के जिन जिन को जानकारी है इस चीज की वो सभी यहाँ पे आते हैं और यहाँ का बिल्कुल मनोरंजन लेते हैं। जे पांच पांडव हैं जो मूर्तियाँ, जय है सिद्ध स्थान मूर्ति। यहाँ कुछ साल पहले यज्ञ हुआ था तब यहाँ क्षेत्र से जो कन्या भोज होता है कन्या भोज हुआ तो उस समय अपने यहाँ जो चौपर बोलते हैं कढ़ाई का चौपर छोड़ गया, जब चौपर खत्म होगा करैया में से तब यहाँ गांव वाले जो थे और जो वहाँ पंडित थे बुजुर्ग उन लोगों ने कहा कि यहाँ से जाओ और यहाँ से दो कंसरा जो तीन होते हैं उनसे जल, हाँ जल लेके आओ, यहाँ से जो दो कुप्पा जल गया वो जाके कढ़ाई में डाल दिया उससे पूरी निकली। अच्छा, पानी से पूरी, पानी से पूरी निकली, जल से पूरी निकली। फिर इसके बाद में कन्या भोज हो गया, कन्या भोज होने के बाद गांव वालों ने
गांव से घी इकट्ठा किया उतना, वो आके फिर दूसरे दिन यहाँ वापसी किया। इतने पांडव ने अज्ञातवास किया है, ये घनघोर जंगल है और यहाँ एक भी नीचे जलाशय है। जो ये आम का पेड़ है, ये आम का पेड़ हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ जो जल है, ये जल आम के पेड़ के नीचे से निकलता है। इस जल में इतनी विशेषता है कि ये जल यहाँ से जाता है तो किसान जो ले जाते हैं वो अपने खेत में डालते हैं, इससे फसल में कीटनाशक नहीं लगती। क्या आप हमें वो जलाशय दिखा सकते हैं? जी। खबर चलना चाहिए। यहाँ की बुनियादी सुविधाएं हैं, उसकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का यहाँ बॉर्डर है। यही सब आपको बताना। तो जी।